केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ हमीरपुर में कांग्रेस प्रदर्शन 12 नवंबर को होगा। यह बात प्रदेश कांग्रेस महासचिव एवं हमीरपुर के प्रभारी केवल सिंह पठानिया ने प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 6 से 15 नवंबर तक जिला मुख्यालयों में प्रदेश व केंद्र सरकार की विफलताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसमें बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे शामिल हैं। केवल सिंह पठानिया ने इन्वेस्टर मीट के बारे में कहा कि जयराम सरकार ने ये जो आयोजन किया है, कांग्रेस उसका लेखा जोखा 6 माह के बाद प्रदेश सरकार से लेगी। एक मुद्दा और है, पहली बार जो कहता है मोदी, पहली बार ही सब कुछ हुआ, देश के अंदर पहली बार हुआ है, पुलिस और एडवोकेट पार्लियामेंट के नजदीक जाओ के कारण ले पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। आज जो कहता है मैं लोकतांत्रिक और मैं ट्रांसपेरेंसी वाली सरकार लाऊंगा। वर्तमान प्रधानमंत्री का हर बात के लिए ट्वीट आता है, जहां दिल्ली में लोग सुरक्षित है कोई ट्वीट नहीं है, कोई बात। अमित शाह हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर है, लोग कहते हैं लोग पुरुष, तो हम कहते हैं पुलिस में कोई अड़वानी नहीं थी, लोग पुरुष थे, सरदार वल्लभ पटेल थे। वो आदमी आज दिल्ली के अंदर एडवोकेट और पुलिस के बीच में इतनी सक्षम सरकार है जो एट द डोर मुंह नहीं खोल पा रही है कि किस काम ने क्या जनता की, दिल्ली की जनता के लिए क्या ठीक है। तो ये और 2 साल का वर्तमान में जो मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए हमीरपुर से ब्यूरो प्रभारी नीलकांत भारद्वाज की रिपोर्ट।